आने वाले स्थानिक स्वराज के चुनाव से पहले ही राजकारण में भारी घमासान होते हुए ट्रांसजेंडर ने अब राजनीति में प्रवेश किया है, जहां आज राजपिपला के मानवेंद्र सिंह गोहिल सहित 50 से भी अधिक ट्रांसजेंडर ने भाजपा में जुड़ते हुए आज भाजपा प्रमुख डॉ. विजय शाह द्वारा तमाम का सम्मान किया गया। आने वाले स्थानिक स्वराज के चुनाव से पहले ही अब राजकीय घमासान होते हुए कई राजकीय समीकरण और चुनावी समीकरण बदल रहे हैं, जहां ट्रांसजेंडर ने अब राजकारण में प्रवेश करते हुए आज राजपिपला के मानवेंद्र सिंह गोहिल सहित 50 से भी अधिक ट्रांसजेंडर ने भाजपा में आगमन कर जुड़ते हुए आज तमाम का सम्मान किया गया, जहां आज शहर के सयाजीगंज स्थित भाजपा कार्यालय मनुभाई टावर में स्थित डॉक्टर विजय शाह द्वारा तमाम ट्रांसजेंडर को भाजपा का खेस केसरिया पहनाते हुए तमाम को सम्मानित किया था। वडोदरा शहर भाजपा द्वारा महानगर पालिका के चुनाव से पहले ही अपने पक्ष को जिताने के लिए और ज्यादा मत वोट हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। भाजपा में भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, तो वहीं अन्य पक्ष के और नए कार्यकर्ताओं को बढ़ावा भी किया जा रहा है, जहां आज वडोदरा के ट्रांसजेंडर समुदाय ने भाजपा में समाविष्ट करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजपिपला के राजवी मानवेंद्र सिंह गोहिल सहित 50 से भी अधिक ट्रांसजेंडर आज भाजपा में जुड़ते हुए पेज समिति की रचना के लिए फॉर्म भरकर भाजपा का खेस धारण किया था। ट्रांसजेंडर समुदाय ने कानूनी मान्यता तो मिली, लेकिन समाज में अभी भी उन्हें मिलने पात्र वैसा स्थान नहीं मिला। राजकीय क्षेत्र में भी ट्रांसजेंडर समाज सक्रिय नहीं है, तो वही आज ये समाज के आगेवान भी जनप्रतिनिधि के तौर पर आगे आकर अपना सही स्थान बना सके वैसे प्रयत्न किए जा रहे हैं। जहां आज वडोदरा शहर भाजपा के प्रमुख वैसे डॉक्टर विजय शाह द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के अग्रणी और राजपिपला के राजवी मानवेंद्र सिंह गोहिल की मौजूदगी में वडोदरा के कई ट्रांसजेंडर को भाजपा में जुड़ते हुए आमंत्रित किया था। 50 से भी अधिक ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों ने भाजपा का खेस धारित करते हुए पेज समिति फॉर्म भरे थे और भाजपा में विधिवत प्रवेश किया था। राजकीय क्षेत्र पर अपने कार केंद्री बनाने के लिए कानूनी दरवाजा हासिल करने के बाद तीसरे समुदाय ने पुरुष और स्त्री समुदाय के बीच ठीक उन्हीं की तरह समान स्थान प्राप्त हो सके वैसे प्रयत्न करते हुए आज भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर वे जुड़े थे, जहां तमाम ट्रांसजेंडर द्वारा भाजपा का खेस धारण करने के साथ विधिवत भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पर स्थान प्राप्त करते हुए आज तमाम को सम्मानित किया गया था। कार्यालय खाते आज 100 થી વધારે ટ્રાન્સજેન્ડર એટલે કે કિન્નર લોકોને અહીંયા પાર્ટીમાં જોડવામાં આવ્યા છે। અમારા સાથી મહામંત્રી શ્રી સુનિલભાઈ અને મંત્રી કોમલબેનના પ્રયત્નોથી આજે આ સૌ લોકો અહીંયા કાર્યાલયમાં ઉપસ્થિત રહ્યા છે અને તે સૌ પેજ સમિતિના સભ્ય બન્યા છે। સૌ જાણે છે કે અમારા નવા અધ્યક્ષ શ્રી પાટીલજી એ પેજ સમિતિ ઉપર ખૂબ જ ભાર મૂક્યો છે, કારણ કે એના માધ્યમથી આપણે મતદારો સુધી પહોંચી શકીએ છીએ। રાજ્ય સરકારને કેન્દ્ર સરકારની યોજનાઓ એમના સુધી પહોંચાડવા માટે પેજ સમિતિ એ એકમાત્ર વિકલ્પ છે। ત્યારે આ સૌ લોકો પેજ સમિતિના સભ્ય બન્યા છે, એ સૌ લોકો ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાયા છે। આ સૌ લોકોનું ભારતીય જનતા પાર્ટી વડોદરા મહાનગર દ્વારા હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું।